नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जो भी बच्चे इस बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, चाहे आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या फिर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने को लेकर। सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इस बार से स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने को लेकर कुछ नए डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, दरअसल बात यह है कि जो भी बच्चे इस बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, इस बार जो भी आपके गार्जियन होंगे उनका जो है पैन कार्ड इस बार स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने में लगने वाला है। एक बार मैं फिर से बता दूं, आपका पैन कार्ड नहीं लगेगा, जो आपके गार्जियन होंगे चाहे आपके मदर हों या फिर आपके फादर हों, उनका जो है इस बार पैन कार्ड लगने वाला है। अभी तक क्या होता था कि आधार कार्ड से काम चल जाता था, लेकिन स्कॉलरशिप में हो रहे करप्शन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस बार नए लगने वाले हैं। आपके जो गार्जियन होंगे उनका इस बार पैन कार्ड स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने में लगने वाला है, बाकी पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके वैसे ही रहेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया। हाँ, जो भी बच्चे अभी हैं जिनके आधार कार्ड में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर एड्रेस गलत है, अभी उसको सुधरवा लें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अन्यथा की स्थिति में आपको बाद में काफ़ी परेशानियां होंगी। यदि आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आने वाली है। ऐसा जो है दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स पहले लगते थे वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, केवल इस बार आपके जो गार्जियन होंगे उनका पैन कार्ड स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने में लगने वाला है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की अपडेट देखना चाहते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट आगे आती है तो उसका हर एक प्रकार का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।